सब लोग मिलके एक बार जोर से भारत माता का नारा लगाएंगे, भारत माता की, इनकलाब, इनकलाब। दिल्ली के और देश के सभी नागरिकों को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत तहे दिल से ढेर सारी शुभकामनाएं। हर साल हम लोग गणतंत्र दिवस मनाते हैं। गणतंत्र दिवस हमें याद दिलाता है किस तरह से हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाई लड़के देश को आज़ाद कराया था, किस तरह से हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने, कंस्टिट्यूएंट असेंबली ने बैठकर हमारे देश को इतना अच्छा संविधान दिया था बाबा साहब अंबेडकर जी के नेतृत्व में। और 26 जनवरी को इसी दिन 1950 में हमारा देश गणतंत्र हुआ था। आज इतने सालों के बाद देश की बहुत सारी अचीवमेंट्स रही हैं, उपलब्धियां रही हैं, और कई सारे ऐसे क्षेत्र हैं जिसमें अपने को काम करने की जरूरत है। आज से 2 साल पहले दिल्ली के लोगों ने देश के सामने एक अभूतपूर्व काम करके दिखाया। अभी तक कुछ चुनिंदा एस्टैब्लिश्ड पार्टियां थी जो चुनाव लड़ती थी, चुनाव में बड़ा बड़े पैसे का खेल होता था। एक आम आदमी सोचता था राजनीति तो गुंडों का काम है, राजनीति तो गलत लोगों का काम है। एक आम आदमी राजनीति में आने से कतराता था, घबराता था। 2 साल पहले दिल्ली के लोगों ने यह धारणा बदल दी। दिल्ली के लोगों ने सारी एस्टैब्लिश्ड पार्टियों को नकार के आम आदमी को सरकार चलाने के लिए कहा कि अब आम आदमी सरकार चलाएगा, अब नेता सरकार नहीं चलाएंगे, अब एस्टैब्लिश्ड पार्टियां सरकार नहीं चलाएंगी। 2 साल पहले दिल्ली के लोगों ने ईमानदारी को वोट दिया, दिल्ली के लोगों ने सच्चाई को वोट दिया, और दिल्ली के लोगों ने आम आदमी और आम औरतों को दिल्ली की विधानसभा में जाके दिल्ली चलाने का आदेश दिया। पिछले 2 साल से दिल्ली में आम आदमी की सरकार चल रही है। बहुत सारे अनुभव हुए, खट्टे मीठे, अच्छे बुरे। आज मैं आपके सामने एक ऐसी बात रखना चाहता हूं जो मुझे लगता है सारे देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और अगर आज गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में सारा देश उसको अपना ले तो बड़ी तेजी के साथ हमारे देश की प्रगति हो सकती है। जब तक हम राजनीति में नहीं आए थे, हमारे में से बहुत लोग, मैं, मनीष सिसोदिया जी और भी कई सारे मेरे साथी, हम लोग एनजीओ में काम किया करते थे, समाज सेवी संस्था में काम किया करते थे, दिल्ली की झुग्गी बस्तियों में काम किया करते थे, गरीबों के बीच में काम किया करते थे। उस वक्त हमें लगता था, हमें कई ऐसे बच्चे मिलते थे, बहुत गरीब होते थे, उनके पास अच्छे स्कूलों में शिक्षा लेने के लिए पैसा नहीं होता था, लेकिन बड़े मेघावी होते थे। हमें लगता था
कि कुछ ऐसा हो सकता है कि इन सब बच्चों को अच्छी शिक्षा दी जा सके। हमें लगता था कि अगर अपने बच्चों को अच्छी पढ़ाई मिल जाए तो हमारे देश की जनता, हमारे देश के लोग इस देश को कहीं का कहीं पहुंचा सकते हैं। आज हमारे देश की सबसे बड़ी ताकत, सबसे बड़ी संपत्ति सड़कें, फ्लाईओवर, एयरपोर्ट, पहाड़, नदियां, जंगल, ये नहीं है। आज हमारे सबसे बड़ी संपत्ति हमारे देश की, हमारे देश की जनता है। मुझे हमेशा ये लगता है पूरी दुनिया के अंदर सबसे अच्छी जनता भारत की जनता है, सबसे इंटेलिजेंट जनता भारत की जनता है। अगर हम अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे दें, अगर हम अपने बच्चों को अच्छा पढ़ा लिखा दें, ये हमारे देश को कहीं का कहीं ले जा सकते हैं। हमें हमेशा लगता है अगर हम अपने देश के लोगों को अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं दे दें, उनको स्वस्थ बना दें, उनको हृष्ट पुष्ट बना दें, ये देश को कहीं का कहीं ले जा सकते हैं। जैसे ही 2 साल पहले हमारी सरकार बनी, इन 2 क्षेत्रों के अंदर पहला बजट जो हमारी सरकार ने रखा, इन 2 क्षेत्रों के अंदर सबसे ज्यादा पैसा हमने लगाया। कई लोग कहते हैं फलानी फलानी सरकार शिक्षा के क्षेत्र में इतना खर्च करती है, फलानी फलानी सरकार स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में इतना खर्च करती है। मैं शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं के ऊपर खर्च किए गए पैसे को खर्चा नहीं मानता, मैं उसे अपने भविष्य की इन्वेस्टमेंट मानता हूं। कि आज जितना पैसा हम शिक्षा और स्वास्थ्य पे खर्च करेंगे वो खर्चा नहीं है, वो कई गुना पैसा वापस लौट के आएगा भविष्य के अंदर, जब हमारी जनता पढ़ी लिखी हो जाएगी और जब हमारी जनता हृष्ट पुष्ट और स्वस्थ हो जाएगी। पहले बजट के अंदर हमने एकदम से शिक्षा का बजट दुगना कर दिया। पूरे देश में लोगों को यकीन नहीं हुआ, बहुत सारी एनजीओ, समाज सेवी संस्थाएं, एक्सपर्ट्स इस पे वाद विवाद करते हैं। हमारे पास भी आते थे कि जी बजट को, शिक्षा के बजट को 10% बढ़ा दीजिए, 20% बढ़ा दीजिए। हमने एकदम से 100% बढ़ा दिया, डबल कर दिया शिक्षा का बजट। वो हमारी कमिटमेंट थी शिक्षा को लेके। हमने एकदम से स्वास्थ्य सेवाओं का बजट 1.5 गुना कर दिया जितना खर्चा होता था। और दोस्तों, पिछले 2 साल के अंदर शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में दिल्ली के अंदर जिस तरह की क्रांति आ रही है, मैं ये नहीं कहता हमने सब कुछ अचीव कर लिया है, मैं ये नहीं कहता हमने जो कुछ किया सारा ठीक है, अभी बहुत कुछ करना बाकी है। हमने जो किया उसमें 100 गलतियां भी हो सकती हैं, हम आगे बढ़ेंगे, गलतियां करेंगे, उनसे सीखेंगे, उनको ठीक करते जाएंगे। लेकिन 2 साल के हमने जो शिक्षा और स्वास्थ्य के अंदर जो कुछ काम किया है, आज 2 साल के बाद इस गणतंत्र दिवस के उपलक्ष में आपको संबोधित करते हुए मुझे सबसे ज्यादा संतुष्टि इसी बात की है कि दिल्ली की सरकार ने शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में सबसे ज्यादा काम किया है। जब हमारी सरकार बनी थी, सरकारी स्कूलों की हालत बहुत खराब थी। कोई माँ बाप अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में नहीं भेजना चाहता था, किसी के पास, माँ बाप के पास
थोड़ा भी पैसा होता था वो अपने बच्चे को किसी भी नजदीक के प्राइवेट स्कूल में भर्ती कराना चाहता था। लोग अपने अपना पेट काट के पैसा बचा के किसी तरह से अपने बच्चों को सरकार प्राइवेट स्कूल में भर्ती कराना चाहते थे। सरकारी स्कूलों में पीने को पानी नहीं था, सरकारी स्कूलों में टॉयलेट्स नहीं थे लेडीज के लिए, बच्चियों के लिए, हमारी बेटियों के लिए, बहनों के लिए। सरकारी स्कूलों में सफाई की बुरी हालत थी, सरकारी स्कूलों में पढ़ाई की बुरी हालत थी। दोस्तों अभी भी बहुत कुछ करना बाकी है, लेकिन मैं बधाई देना चाहता हूं दिल्ली की जनता को, जिनके साथ मिलके मनीष सिसोदिया जी ने, हमारे शिक्षा मंत्री ने पिछले 2 साल के अंदर क्रांतिकारी परिवर्तन किए हैं। कोशिश की गई है कि सभी सरकारी स्कूलों में पीने का पानी उपलब्ध हो, सभी सरकारी स्कूलों में साफ सुथरे टॉयलेट्स हों, हमारी बेटियों के लिए, बच्चियों के लिए, बहनों के लिए अलग से टॉयलेट्स हों, सभी सरकारी स्कूलों में सफाई का इंतजाम किया गया है, सभी सरकारी स्कूलों के अंदर सिक्योरिटी का इंतजाम किया गया है। कई स्कूलों में मैं भी गया, एक एक क्लास में 150-150, 200-200 बच्चे पढ़ते थे, थूसा हुआ था एक एक क्लास के अंदर बच्चों को। एक टीचर बेचारा 150 बच्चों को एक साथ कैसे पढ़ा सकता है। पिछले 1 साल के अंदर लगभग 8,000 से 10,000 क्लासरूम बनाए हैं पूरे दिल्ली के अंदर, स्कूलों के अंदर। पर ये सारी बातें छोटी हैं, सबसे बड़ी बात हुई है कि स्कूलों के अंदर पढ़ाई के स्तर के अंदर बहुत अच्छा परिवर्तन आया, बहुत बड़ा परिवर्तन आया है। इसके लिए मैं हमारे दिल्ली सरकार के सभी टीचर्स को और सभी प्रिंसिपल्स को बधाई देना चाहता हूं, उन्होंने शानदार काम किया है। ये वही टीचर हैं जो पहले भी थे, ये वही प्रिंसिपल हैं जो पहले भी थे, लेकिन पहले उनको प्रोत्साहन नहीं मिलता था, पहले उनको सेकंड ग्रेड सिटीजन का दर्जा दिया जाता था। आज उन्हीं प्रिंसिपल्स और टीचर्स को फॉरेन में ट्रेनिंग के लिए भेजा जा रहा है, आईएम्स के अंदर ट्रेनिंग के लिए भेजा जा रहा है। उनको लगने लगा है कि हमारी भी पूछ हो रही है, उनको लगने लगा है कि वो एक बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, देश के भविष्य का निर्माण कर रहे हैं। उन्हीं टीचर्स ने, उन्हीं प्रिंसिपल्स ने आज चमत्कार करके दिखा दिया। मैं आज उनको गणतंत्र दिवस के अवसर पर सलाम करता हूं, हमारे दिल्ली सरकार के सभी टीचर्स और सभी प्रिंसिपल्स को। मुझे बड़ी खुशी है कि जो नए सरकारी स्कूल दिल्ली के अंदर बन रहे हैं, उन सरकारी स्कूल्स के अंदर वो सारी सुविधाएं हैं जो आज शायद आपको अच्छे से अच्छे प्राइवेट स्कूलों में भी नहीं मिलेगी। सरकारी स्कूलों में स्विमिंग पूल बन रहे हैं, सरकारी स्कूलों में लिफ्ट लग रही है, मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाले समय में लोग अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल से निकाल निकाल के सरकारी स्कूल में एडमिट कराएंगे और दिल्ली के सरकारी स्कूल पूरी दुनिया के सामने एक मिसाल के रूप में प्रस्तुत होंगे। प्राइवेट स्कूलों के अंदर भी बहुत सारे प्राइवेट स्कूल ऐसे हैं जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हम उनको सलाम करते हैं। वो हमारे बच्चों का भविष्य बना रहे हैं, लेकिन कहते हैं एक गंदी मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है। कुछ प्राइवेट स्कूल ऐसे हैं जिन्होंने शिक्षा को धंधा बना लिया है, जिन्होंने शिक्षा की दुकानें खोली हुई हैं,
जो शिक्षा के नाम पर पैसा कमाना चाहते हैं, हम उन लोगों की घोर निंदा करते हैं। और उन लोगों के आचरण को ठीक करना यह सरकार की जिम्मेदारी है। अभी तक सरकारें प्राइवेट स्कूलों पर लगाम लगाने में हिचकती थी, क्योंकि कहीं ना कहीं सरकार में बैठे हुए लोगों की प्राइवेट स्कूलों के अंदर कुछ ना कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट होता था। लेकिन आज हमारे शिक्षा मंत्री, हमारे मंत्रीगण, हमें हमारा किसी भी प्राइवेट स्कूल के अंदर किसी तरह का कोई इंटरेस्ट नहीं है। हमारा केवल एक ही इंटरेस्ट है कि हमारे दिल्ली के बच्चों को सबसे अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए और कम से कम पैसों में मिलनी चाहिए। तो प्राइवेट स्कूलों के अंदर हर साल मनमानी फीस बढ़ाई जाती थी। पहली बार दो साल के अंदर प्राइवेट स्कूलों के ऊपर नकेल लगाई गई है, उनको फीस बढ़ाने से रोका गया है। प्राइवेट स्कूलों के अंदर नर्सरी में एडमिशन के दौरान खूब डोनेशन चलते थे, उसके लिए, उसको रोकने के लिए काफ़ी हद तक उस पर रोक लगी है। लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा कि 100% रोक लगी है। जो मुझे खबर मिली है, अभी भी कुछ प्राइवेट स्कूल हैं जो मेज के नीचे से अंडर हैंड नर्सरी के एडमिशन में गलत तरीके से पैसा लेते हैं। मनीष सिसोदिया जी उनको ठीक करने में लगे हुए हैं और मुझे पूरा यकीन है कि जल्दी यह जो गंदा घिनौना डोनेशन का चक्कर था, इसको भी दिल्ली के अंदर बंद कर दिया जाएगा और नर्सरी के एडमिशन पूरी तरह से दिल्ली के अंदर पारदर्शी होंगे। दोस्तों, उसी तरह से दो साल में स्वास्थ्य सेवाओं में बहुत सारा काम किया। दिल्ली के अंदर बड़े बड़े अस्पतालों की कमी नहीं है। ऑल इंडिया मेडिकल, सफदरजंग, LNJP, बहुत सारे अस्पताल हैं। लेकिन अगर आपको छींक आती है, अगर आपको बुखार हो गया, अगर आपको खांसी हो गई, तो आपको ऑल इंडिया मेडिकल जाना पड़ता है, सफदरजंग जाना पड़ता है। वहां पे इतनी भीड़ है, इतनी भीड़ है, बिना सिफारिश के काम नहीं चलता। पूरी दिल्ली के अंदर प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं का बंटाधार था जब हमारी सरकार बनी। पिछले दो साल में दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक बनाए। पूरे देश में नहीं, पूरी दुनिया के अंदर आज मोहल्ला क्लिनिक की खूब चर्चा चल रही है। अमेरिका से, लंदन से, पेरिस से पत्रकार आ रहे हैं, UN से एक्सपर्ट्स आए, उन्होंने दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिक देखे और उन्होंने भी कहा कि पब्लिक हेल्थ सिस्टम डिलीवरी में शायद ये दुनिया की पहली मिसाल है कि इस किस्म के मोहल्ला क्लिनिक अल्ट्रा मॉडर्न, एयर कंडीशन्ड, सारी दवाइयां फ्री, सारे टेस्ट फ्री। और अब कई मोहल्ला क्लिनिक 1.5 साल से चल रहे हैं और बहुत अच्छे चल रहे हैं, बहुत सुचारू रूप से चल रहे हैं, चारों तरफ उनकी तारीफ हुई है। बहुत जल्दी 1000 मोहल्ला क्लिनिक पूरी दिल्ली के अंदर बन के तैयार हो जाएंगे। तब आपको मुश्किल से 2-3 किलोमीटर के अंदर, अपने घर के 2-3 किलोमीटर के दायरे के अंदर कोई ना कोई मोहल्ला क्लिनिक बनेगा, मिलेगा आपको। छोटी छोटी बीमारियों के लिए ऑल इंडिया मेडिकल और बड़े बड़े अस्पतालों में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके ऊपर पॉली क्लिनिक बनाए हैं, 122 पॉली क्लिनिक बनेंगे पूरी दिल्ली के अंदर। पॉली क्लिनिक में आपको 8 किस्म के स्पेशलिस्ट मिलते हैं, हड्डियों के डॉक्टर, महिलाओं के डॉक्टर, बच्चों के डॉक्टर, इस तरह से 8 किस्म के स्पेशलिस्ट मिलते हैं। वहां पे आपको मशीनें, एक्सरे मशीन, अल्ट्रासाउंड मशीन मिलती हैं। और अगर बड़ी बीमारी हो तो फिर आप बड़े अस्पतालों में सुपर स्पेशलिटी, मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में जा सकते हैं। दिल्ली में दो साल में
हमने भ्रष्टाचार के ऊपर खूब नकेल कसी, उससे जो पैसा बचा हमने हर सरकारी काम में पैसा बचाया, हर सरकारी काम में पैसा बचाया। उस पैसे से हम लोगों ने दिल्ली के सारे सरकारी अस्पतालों में सब लोगों के लिए दवाइयां मुफ्त कर दी, टेस्ट मुफ्त कर दिए, सारा इलाज मुफ्त कर दिया, अमीरों के लिए भी, गरीबों के लिए भी, सबके लिए। पूरे देश के अंदर ये अपने आप का पहला एक्सपेरिमेंट है जहां पूरे देश में यूजर चार्जेस के नाम पे आज गरीबों से भी पैसे लिए जाते हैं सरकारी अस्पतालों में। वहां दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में सब लोगों के लिए इलाज फ्री है, चाहे वो अमीर हो चाहे गरीब हो। दोस्तों, मुझे लगता है काम करने के लिए बहुत सारे हैं, सारे काम करेंगे, सारे काम कर रहे हैं, रात दिन मेहनत कर रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है अगर हमारा पूरा देश, सारी सरकारें, केंद्र सरकार आज गणतंत्र दिवस के अवसर पर ये ठान ले कि हमें इन दो चीजों के ऊपर खूब जम के काम करना है, शिक्षा और स्वास्थ्य, मुझे लगता है आने वाले दिनों के अंदर हमारा देश बहुत तेजी से प्रगति कर सकता है। यही बच्चे जो सामने बैठे हैं, अगर ये अच्छे पढ़ लिख गए, ये बड़े होके एडवोकेट बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, एरोप्लेन चलाएंगे, पूरी दुनिया के अंदर ये देश का नाम रोशन करेंगे। दोस्तों, तो आज गणतंत्र दिवस के अवसर पर मेरा तो एक ही संदेश है कि आज पूरा देश अगर ये ठान ले कि इन दो चीजों के ऊपर, और ये दो चीजें शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं देना किसी भी जिम्मेदार सरकार की जिम्मेदारी है। हम ये नहीं कह सकते बहुत अच्छी बात है प्राइवेट स्कूल हैं, बहुत अच्छी बात है प्राइवेट अस्पताल हैं, लेकिन सरकार अपनी जिम्मेदारी प्राइवेट अस्पतालों, प्राइवेट स्कूलों पे नहीं छोड़ सकती। ये सरकार की जिम्मेदारी है अपने लोगों को अच्छी शिक्षा देना, अपने लोगों को अच्छे स्वास्थ्य देना। हम लोगों ने पहला कदम उठाया है दिल्ली में, ये ठोस कदम है। अभी हमें बहुत कुछ करना बाकी है, बहुत आगे जाना बाकी है, लेकिन मुझे पूरा यकीन है जिस तरह का प्यार और मोहब्बत, जिस तरह का समर्थन और जिस तरह का आशीर्वाद दिल्ली की जनता से हमें लगातार मिलता रहा है, हम सब लोग मिलके अपने मिशन में जरूर कामयाब होंगे। भारत।